खान कह रहे हैं हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अभी सेटिंग नहीं की, वैसे ही ला के रख दिया है। ये हैं जी सोफे, इन बिछेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेर मेहरजादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खुरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं। कल का हमारा सारा दिन जो है वो हमारा शादी कार्ड्स लिखने पे लगा, और उसके बाद फिर एक बंदे को जो है ना वो हमने हायर किया, जिसने इलाकों में जाकर शादी कार्ड्स देने थे और इनविटेशंस न्योते वगैरह फिर हमने भेजे हैं। अभी जाके मैंने शादी कार्ड्स मुकम्मल किए हैं। रात को 12-1 बजे तक लिखता रहा हूँ, और सुबह उठ के फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो बंदा अकेला था, दोस्त अभी आए नहीं हैं, सभी जो है अपने जॉब्स पे हैं, तो कहते हैं जी 1-2 दिन पहले हमें छुट्टियाँ मिलेंगी, इसलिए मोस्टली काम खुद ही करने पड़ रहे हैं। कल सुबह से हम शादी कार्ड्स लिख रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से हमारे ये 1 दिन में मुकम्मल हुए हैं। और आज सुबह सुबह मैंने कुछ कार्ड्स जो है वो भिजवा दिए हैं, और बाकी इस तरह से हमने सारे जो है वो पैक करके अलग अलग रख लिए हैं। आज जाके हमारे कुछ काम कम हुए हैं, और वो इसीलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का काम मुकम्मल हो गया है, और छोटे मोटे काम रहते हैं वैसे, जो बड़े काम थे वो मुकम्मल हो गए, पेंट भी कंप्लीट हो गया। अभी हम बाज़ार जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करनी है, और वापसी भी फिर मैं आपको अपने घर का कंप्लीट टूर करवाऊँगा कि कैसा घर हमारा बना है। वहाँ के हम देख लेते हैं, कुछ ऐसा बना है घर हमारा। और अभी हम निकलते हैं शहर की तरफ। बाइक हमारी तैयार खड़ी है जी, शहर जाने के लिए, और बाज़ार शॉपिंग के लिए मैं और आपी जान जा रहे हैं। और ये चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, बाबा जान ने यहाँ पे फूल बना दिए। पहले ये फूल मुझे बड़े ओवर से लगे हैं, लेकिन अब अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लगना शुरू हो गए। यहाँ भी ये उनके पास एक फ्रेम सा था जिससे इन्होंने ये बनाया फूल। ये तो प्यारे लग रहे हैं, लेकिन ये रेड वाला थोड़ा सा ओवर लग रहा है। और वैसे इसको नेचर के साथ देखा जाए, पौधों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आज जो मौसम है, काफ़ी तड़के वाली धूप निकली हुई है, और बाइक मैंने निकाली नहीं अभी। बाइक बाहर निकाल ली है, और हमारा ये वाला दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा लग गया है, इसलिए यहाँ से नीचे से ऊपर उठाना पड़ता है, फिर खोलना या बंद करना पड़ता है। हमेशा की तरह शहर जाने से पहले अपने पुराने घर, और तब्दीलियां यहाँ पे कुछ ऐसी आ गई हैं कि सामने वाला जो बकैन का पौधा था उसकी कटाई कर दी गई है, और इस साइड पे इसलिए हम आए हैं कि कुछ मशवरे भी लेने चाहिए कुछ शॉपिंग करने से पहले चाचा चाची से। तो हम आ गए घर, और हमने सामान उठाना था जो हमारे इस रूम में पड़ा है, क्योंकि अब हमारे कमरे तो जो है वो माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आज कल में जो है ना वो हम सामान जो है वो उठा लेंगे। दानिश किधर गया है? दिन के 12 बज गए हैं, और अभी हम निकल रहे हैं शहर की तरफ। सुकून, आए जी। हम आए कारपेट वाली शॉप पे, और एक कारपेट लेना है हमने, और ये रंग बिरंगा तो बिल्कुल नहीं। पहले एक कारपेट है हमारे पास, एक रूम में हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे रूम के लिए हमने कारपेट लेना है। और ये कैसा है, और उस कारपेट के लिए हमें चाहिए जी फोम, इस तरह का कोई। इतना मोटा गद्दा, ये तो गद्दा को निक्का जी हो गया है ना भैया। हम शहर से वापस आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज जो है मैं आपको अपने घर का कंप्लीट विज़िट करवाऊंगा,
और एक और अच्छी खबर वो ये है कि हमारे नए घर का नया फर्नीचर आ चुका है। और पहले हम सारा विज़िट करते हैं, सारा फर्नीचर आपको दिखाता हूँ और घर का जो काम जिस तरह से हुआ है वो आपको दिखाता हूँ, और ये फर्नीचर क्यों आया है फिर वो बाद में बताता हूँ। तो फर्नीचर में सबसे पहले ये एक अलमारी है और ये इसके ऊपर रखते हैं, काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये। और ये है आई थिंक कपड़ों वाली अलमारी। इस साइड पे है बेड, इसे बेड का ताज कहते हैं। उठाया नहीं जा रहा, इतना वजनी है ये तो। इस तरह से है कुछ, बिस्मिल्लाह आराम से रखते हैं वापस। हम गए हुए थे बाजार और बाबा जान लोग जो है वो फर्नीचर उठाने के लिए गए हुए थे, तो वापस आने पे ये भी आया हुआ था। आज वैसे मैंने आपको सिर्फ घर का टूर करवाना था, साथ साथ जो है अब फर्नीचर सामने पड़ा है तो वो भी ज़रूर दिखाना है। इसको आई थिंक वो कहते हैं ड्रेसिंग। और ये है बर्तनों वाली अलमारी, इसके ऊपर इसको रखेंगे ये बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद ये पेटियाँ वगैरह है, और पेटियों के ऊपर ये माँ जी ने जो कपड़ा डाला हुआ है ये मेरी रज़ाई का है कवर। मैं जब छोटा था तो माँ जी से कहता था मैंने ये वाली रज़ाई डालनी है क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्रीम्स लीव ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स। मैं कहता था ये वाली रज़ाई ओढ़ने से मुझे अच्छे ख्वाब आते हैं। ये काफ़ी पुरानी है वैसे, ये हमारी अब वैसे कपड़ा यूज़ हो रहा है, पहले ये मेरी रज़ाई का हुआ करता था। और इस रूम में अभी सेटिंग नहीं की, वैसे ही ला के रख दिया है। ये हैं जी सोफ़े और साथ में कुछ टब वगैरह, इस्त्री स्टैंड, और इस साइड पे जो है वो बड़ा सोफ़ा है। और साथ साथ मैं आपको वैसे बता दूं हमारे घर का पेंट अंदर से वो हो गया है कम्प्लीट, और बाकी बाहर वाला कुछ इस तरह से लुक आ रही है क्योंकि सारा खुश्क हो गया है। सामने वाले दरवाजे जो हैं उनका भी कलर चेंज कर दिया गया है। और मेरा जो इनमें फेवरेट हुआ है वो ये जो विंडोज़ हैं इनमें जो उन्होंने गोल्ड शेड दिया है ना, ये मैंने करवाया है अपनी पसंद का, और अब डिसेंट लग रहा है सारा कुछ। अभी इसकी सफाई वगैरह हमने करनी है क्योंकि हम जो है वो कुछ वायरिंग हमारी रहती है बाहर वाली साइड से, तो ये चीज़ें सारी बिखरी पड़ी हैं ऐसे ही। और फूल हमारे माशाल्लाह निखर रहे हैं, दिन ब दिन निखर रहे हैं। अब ये सारा बिखरा पड़ा है और हमारे कुछ ख़ास लोग आ रहे हैं जो इनकी सेटिंग करेंगे। जब वो आएंगे तो मैं आपसे मिलवाऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। और ये वाला रूम कैसा बना है, कुछ रूम का अभी तक प्रॉब्लम आ रहे हैं, खुश्क नहीं हो रहा ये क्योंकि गीला सीमेंट था इसीलिए। और ये विंडो भी हो गई है पेंट, और इस साइड से व्यू इतना अच्छा लग रहा है। वो सामने क्या खड़े हैं, बाहर जाके देखते हैं क्या है। सामान अभी अभी आया है तो इंशाल्लाह आज शाम तक जो है हम कुछ सेटिंग वगैरह कर लेंगे, और जब सेटिंग होगी तो वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो रिक्शे में है जी पराली, और ये पराली जो है एक तो जलाने के काम आएगी और दूसरा क्या है जी कि जानवर वगैरह को भी हम डाल सकते हैं इसको। और सामने आप ही के घर का पेंट भी हो चुका है, जल्द उसका भी टूर करवाता हूँ मैं आपको। कौवा बता रहा है कि कोई मेहमान आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। गांव में यूँ होता है ना, इस तरह कोई दीवार पे भी कौवा बैठ के बोल रहा हो तो कहते हैं मेहमान आ रहे हैं। क्या ये सच है, ऐसा ही होता है, बताइएगा ज़रूर। शाम के 4 बज गए हैं और मुझे किसी काम से टाउन जाना पड़ा था, तो अभी मैं वापस आया हूँ, और वापस आते ही पता चला है हमारे वो मेहमान आ चुके हैं जिन्होंने सामान की सेटिंग करनी थी। और मेहमान हैं कहाँ, पूरे घर में ढूँढा है, नहीं मिले, तो अभी पता चला जी कि वो आप ही के घर गए हुए। अभी हम जा रहे हैं आप ही के घर मेहमानों के पीछे पीछे। रिक्शे के ऊपर उन्होंने कपड़े खुश्क होने के लिए डाल दिए। हेलो लड़के, सुस्ती चढ़ी हुई है इसको। कहाँ है हमारे मेहमान,
कहाँ है हमारे मेहमान? सुभान कह रहे हाँ। अस्सलाम वालेकुम सुभान, ये क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, यहाँ बैठकर चाय पी जा रही है। हाँ, आप ही ने बनाई है, बुलाया खुद है मौजूद नहीं थे, फिर हमने उधर क्या करना है। ये बात भी है, ये बस इमरजेंसी जाना पड़ा मुझे। मेरे नाल का ही ना, लेकिन जेड़े बंदे सदे है वो मौजूद ही कोई नहीं है। अब मिनो इमरजेंसी फिर जाना पड़ी। ऐसा इधर काम कर रही थी ना वो, तो इसकी फिर बात का रूम के पास थोड़ी देर के लिए बैठ। सही, अच्छा ये तो मैंने दिखाया नहीं है कि आप ही ने अपने रूम की सेटिंग भी कर ली है, यहाँ पे शिफ्ट भी हो गई है माशाल्लाह। वो हमने दिखा भी दिया और बैठ भी दिया। वैसे मैं काफी दिनों से बिजी था तो आप ही भी साथ साथ सेटिंग कर रही थी, ये मैंने दिखाया नहीं है तो शिफ्ट हो गई। आप सिर्फ चार पाइया शिफ्ट की हैं, बाकी सारा कुछ उधर ही है अभी। और सुनाए सब ठीक है? चले, मैं अभी आया हूँ भाग भाग के, बाजार गया हुआ था। तो सुभान फजर नहीं आई आज, कालीन वगैरह हमारा आ चुके हैं और हुज़ैफ़ा अंदर कालीन डलवाएगा। और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे ला के रख दिया है, पहले ये बिछाएंगे उसके बाद फिर कालीन बिछेगा, ठीक है? क्योंकि जो है ये देखें गीला है, इतना ज़्यादा गीला है ये अभी, और इससे ऊपर जो है वो पानी नहीं आएगा, फर्नीचर वगैरह जो यहाँ पे रखेंगे वो ख़राब नहीं होगा। ठीक हो गया, ओके हो गया। तो इस कमरे में हमने जो है वो नीचे से ये शीट डाल दी है, फोम है ये, पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथीन तो नहीं है ये, कुछ और ही है। तो इस साइड पर हमने फोम डाल दी है और इस साइड पर भी शीट अब हम डाल रहे हैं। ये वैसे छोटा रूम है, इसमें थोड़ी ही लगेगी। अभी डाली जा रही है जी कालीन इसके अंदर, अब इसके ऊपर हम कालीन डाल लें और आप ही मेरी कर रही हैं हेल्प। आप इतना अच्छा लग रहे हैं सुभान, मैं ही छिगे ना थोड़े सुभान ऊपर हो जाए मेरी जान। रात के 7 बज चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, जो कि मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में दिखाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।